आज अपन फिर से यहाँ पे कारपूल सेल जैसी गेम को खेल ले। और आप सभी को पता ही होगा कि पिछली बार तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब की बार हम कुछ नया करने वाले हैं। तो नया क्या होगा, जैसे कि हम एक नया शोरूम भी बनाएंगे और नई नई एंड रेयर लग्जरी कार्स भी खरीदेंगे, और कार्स को खरीद कर उनको बेचेंगे भी, और काफ़ी अच्छा मोटा पैसा भी कमाएंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की भक्ति। ओके, तो यार पिछली बार ना हमने काफ़ी कुछ मतलब ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठा कर रखा था, तो शायद पिछली बार वीडियो में ना हो पाया होगा, लेकिन इस बार दिखा रहे हैं आप लोगों को। पैसे हमारे पास 11,000 रुपये हैं और अभी हम लोगों को बहुत सारा काम भी करना है इसमें। और ये हमारे जो हमने पिछली बार गाड़ियाँ खरीदी थी, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी थी, तो अभी इनको फटाक से सेल पे लगाते हैं और भाई जल्दी जल्दी भाई रेयर गाड़ियाँ लाते हैं खरीद के, और फिर उनको बेचना भी है भाई। तो अभी ना फिलहाल इनको चेक कर लेते हैं भाई, डैमेज वगैरह तो नहीं गाड़ी, उनको रिपेयर पे लगा के, और जो गाड़ी डैमेज नहीं होगी उसको जल्दी से जल्दी मतलब अपनी डीलर शॉप पे लगाएंगे और सेल कर देंगे उसको फटाक से। फिलहाल ये तो डैमेज है गाड़ी, और ये दूसरी वाली चेक करते हैं भाई। तो मेरे ख्याल से ना अभी दो गाड़ियाँ डैमेज निकल आई हैं, और इधर पे हमारी एक गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, तो इसको लेके चलते हैं फटाक से अपनी डीलरशिप पे और इसको लगाते हैं रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। और गाड़ी देख रहे हो क्या ही अच्छी चल रही है, मतलब BMW की सीरीज बन है ये गाड़ी हमारी, मतलब पीछे से देखो भाई रैली निकल रही सीधी गाड़ियों की। और KG मोटर्स भाई कितना प्यारा नाम लग रहा है ना हमारी शॉप का। फिलहाल इसको इधर अच्छे से पार करते, मैं सोच रहा हूँ ना यार हमारी जो सारी गाड़ियाँ हैं ना वो इधर आ नहीं पाएंगी, तो यार हम क्या करते हैं कि मेरे ख्याल से इतना करना चाहिए कि पहले हमें अपनी डीलरशिप को अपग्रेड करना चाहिए, और हमारे पास अभी 10,000 रुपये हैं तो शायद इसमें इतना सा काम हो जाएगा, शायद मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए भाई। एरिया नहीं खरीद पा रहा है, एरिया के लिए भाई $500,000 चाहिए, बट हमारे पास उतने है नहीं है, तो अभी इतने में ही काम चलाएंगे और इसको अभी फिलहाल तोड़ते हैं शॉप को अपनी डीलरशिप को, इसको भाई फटाक से जल्दी। ओके, तो अभी ना हमने मतलब जल्दी से काम कर लिया और सारी मतलब शॉप को अपनी तोड़ दिया है, और अभी इधर भाई टाल्स आइल्स और हमारा लोगो है ना जो अभी हवाई में रह गया, मतलब ऊपर ही साइड रह गया, अभी ऊपर ही उड़ रहा है हवा में। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोई सेप तो हमने सोच के रखी नहीं भाई अपनी शॉप के लिए कि भाई कैसा बनाएंगे क्या भाई, और मैं ऐसा कोई डिज़ाइनर भी नहीं हूँ भाई कि मतलब बिल्डिंग्स, तो अभी हम कुछ क्या करेंगे भाई, हमारा बजट भी ज़्यादा नहीं है, तो अभी मैं इसको क्या करूँगा कि सिंपल सा मतलब ऐसे ही सीधे डिजाइन देते जाऊँगा, ताकि जो हमारी गाड़ियाँ जो हमने परचेस करी हुई ना अभी उनको हम अभी इजीली लगा पाएँ यहाँ पे। तो अभी हमारे पास मतलब ज़्यादा डॉलर नहीं है, थोड़े से हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि चारों साइड पे भाई ये कांच की वॉल लगा दूँगा गेयर को, हाँ कांच वाली दीवार लगा दूँगा चारों साइड, और ये अभी लोगो है तो भाई देखते हैं इसको भी भाई अच्छी जगह रखेंगे ताकि ये अच्छा लगे, थोड़ा यूनिक सा लगे। फिलहाल अभी के लिए ये लगा दिया इधर पे भी लगाया एंड सामने की साइड में क्या सोच रहा था कि कुछ, हाँ ठीक है इधर भी लगा देते हैं, उसको भी देख रहे हैं। मैं सोच रहा था अगर ये मतलब खिड़की ना लगा के मतलब कांच ना लगा के कोई बड़ा डिजाइनिंग वाली विंडो लगाई है सामने, तो शायद से हमारी शॉप का लुक कुछ अच्छा आएगा। फिलहाल इसको लगाते हैं, इसको भी लगाते हैं एंड सामने जगह छोड़ के एक इसको यहाँ पे और इसको भाई सीधा हो जा, हाँ यहाँ पे। तो यार और यहाँ पे भाई अपनी डीलरशिप को बिल्ड करते करते भाई रात हो चुकी है, और अभी शॉप तो कंप्लीट नहीं भाई, कंप्लीट ही मान लो कि नहीं भी हुई और हो भी गई भाई, थोड़ा सा काम हो रहा है भाई, और हमारा लोगो देख रहे हो भाई KG मोटर्स कितना मस्त चमक रहा है अंधेरे में भाई, लाइटिंग वाइटिंग फुल बढ़िया हो चुकी है। तो ओके ना यार, तो अभी हम सुबह आ चुके हैं भाई, और इधर पे भाई कचड़ा चढ़ा हुआ है, तो भाई पहले इसको तो साफ करना ही पड़ेगा, तो फटाक से काम कर देते भाई पहले अपना जल्दी। और ये कौन कचड़ा चला फैला के चला जाता है बार बार हमारी शॉप पे भाई, ग्राहक आते आए चाना आए भाई कचड़ा पहले आ जाता है सुबह से। तो अभी ना मतलब अपनी जो गाड़ियाँ हैं मतलब रिपेयर पर लगाए थे, तो उनको यहाँ पे अपनी शॉप पे लगा देते हैं जल्दी से भाई, सजा के लगाएंगे एकदम बढ़िया से। और भाई डैमेज हो गई भाई लगाते ही, पहले
आते ही आते भाई न्यू शॉप पे डैमेज हो गई गाड़ी, तो इनको जल्दी जल्दी से लगाते हैं और फिर इनको सेल पे भी लगाना है। तो ओके इतना काम मैं फटाक से कर लेता हूँ अभी आराम से। ओके ना यार, तो हमने अपनी मतलब सारी गाड़ियाँ अभी अपनी शॉप में लगा दी हैं और इनको सभी को सेलिंग पे लगा दिया है। तो तुम देख ही पा रहे हो कि भाई कितनी मस्त लग रही है हमारी डीलरशिप। और सामने देखो केजी मोटर्स, भाई कितना अच्छा लग रहा है भाई सामने डीलर, हमारी डीलरशिप अच्छी लग रही है ना, मतलब अच्छा लुक दिया है हमने वैसे अपनी डीलरशिप को। अब भाई मेरे से जितना बन सका तो भाई मैंने उतना ही किया भाई, और कुछ ज़्यादा तो किया नहीं उसमें, बट मैंने जितना किया ना भाई मेरे को तो अच्छा लग रहा है। आप अभी आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो ऑफिस को करते हैं ओपन यहाँ पे कस्टमर। ओके तो भाई साहब हमारे शॉप पे कस्टमर आ गए, भाई इसको लेके चलते हैं। आ जा, रुक जा भाई, कहाँ रुक रहा है ओ भाई। भाई जादू वादूगर है क्या भाई, एकदम से मतलब गायब होके सीधे इधर आ गया भाई स्पीड में, कितना गजब का बंदा है भाई। क्या एक गिलेच है कार फॉर सेल वाले गेम का। एंड हमारी गाड़ी डैमेज है, इसका प्राइस हमने रखा है 60,000 और बंदा कह रहा है 47,348 में दे दे, लेकिन नहीं इसको देंगे हम 55,000। ठीक है डन भाई, लेके जाना, मना मत करियो ठीक है। हाँ भाई गुड बॉय। हमने नई नई शॉप, भाई कस्टमर की भाई भीड़ लग गई भाई, देखो आते ही जा रहे कस्टमर। ओके तो एक गाड़ी तो हमारी बिक चुकी है और हमारे पास आ चुके हैं $17,000। एंड मैडम जी से पूछते हैं आप कितने में लेंगे इसको। हमने रखा है इसका 36,000 और ये कह रही हैं 25,000। नहीं भाई इतने में थोड़ी बड़ी की बात, थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं ठीक है, आप 30,000 में लेके जाइए इसको, आपके लिए प्राइज किसी को नहीं देते हैं ऐसा हम। ठीक है ठीक है ठीक भाई, एक ही बार में लेके जा रहा है भाई, जो ऑफर दे रहा है भाई वही एक्सेप्ट कर ले रहा है भाई। इस बंदे से पूछते हैं फटाक से, इसको भी देते 20,000 कहा है, 13,000 कह रहा है भाई। बार्गेनिंग भाई, बार्गेनिंग मास्टर बनना भाई ईजी बात नहीं है भाई। हाँ इसको देंगे 18 में, लेके जाइए मना मत करियो ठीक है। अरे यार ये तो मना कर रहा यार, चल एक काम कर दूँ 15 में ले जा ठीक है, तेरे लिए बोल रहा हूँ। ओके तो फटाक से गाड़ियाँ बेच देते हैं। ओके तो अभी ना हमने फटाक से सारी गाड़ियाँ बेच दी हैं और गाड़ियाँ बेचते बेचते भाई अभी शाम हो गई है यार। ओके तो हमने सारी गाड़ियाँ बेच दी और गाड़ी बेचते बेचते अभी हो चुकी है शाम, तो भाई हमारे पास आ चुके हैं $3,70,000। तो अभी ना हमें न्यू न्यू गाड़ी ख़रीदनी है भाई, शॉप तो हमने अपग्रेड कर दी अपनी और हमें ख़रीदना है न्यू न्यू गाड़ियाँ। तो वो यार गाड़ियाँ ख़रीदने में ना वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में न्यू न्यू गाड़ी। भाई वो निसान GT-R का सुन रहे थे भाई, वो भी मस्त गाड़ी है, तो उसको भी ख़रीदेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तो अभी के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।